हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिजनेस का मतलब व्यवसाय होता है और ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन होता है। जो बंदा बिजनेस करता है, जैसे कि सपोज करते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, मेरा बिजनेस फर्नीचर का है, हम फर्नीचर को बेचते हैं, तो जब हम फर्नीचर को बेचते हैं और उसके बदले में हमको अपने कस्टमर से पैसे मिलते हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारा लेन देन है, यानी कहेंगे कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुआ। बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा पैसे के फॉर्म में ही होता है। लेन देन हमेशा दो पार्टीज के बीच में होती है, पहला जो सामान को बेच रहा है और दूसरा जो सामान को खरीद रहा है। जैसे कि हम फर्नीचर अपने कस्टमर को बेच रहे हैं, तो हम पहले पार्टी है और कस्टमर जो हमें पैसा दे रहा है वो दूसरा पार्टी है। चलिए अब डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शंस मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट entered into between two parties and recorded in the books of accounts. It is a financial event which can be expressed in terms of money. It is an agreement between two parties, that is accounts involving the transfer or exchange of goods or services. जैसा कि मैंने बताया था कि आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा दो पार्टीज के बीच में होता है, ठीक है, और ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। श्योर सी बात है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप एक दिन में या डे टू डे में आप जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जितने भी लेन देन करते हैं, वो आप अपने डायरी में लिखते होंगे। उसी तरह से अगर आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस में अकाउंट्स बनते हैं, तो उस अकाउंट्स में जितने भी लेन देन होते हैं उस अकाउंट्स में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। लेन देन हमेशा पैसे के फॉर्म में ही होता है। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज अकाउंट्स इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दो पार्टीज के बीच में होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीमेंट, यानी दोनों पार्टी एग्री होने चाहिए, मतलब एक सामान बेचने के लिए एग्री होने चाहिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे और दूसरा उस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी होना चाहिए। जैसे कि गुड्स और सर्विसेज, अगर हम फर्नीचर बेच रहे हैं और कस्टमर वो फर्नीचर हमसे खरीद रहा है, इट मींस कि वो एक पर्टिकुलर दाम पे हमसे खरीदने के लिए उस फर्नीचर को रेडी है और हम उसी प्राइस पे अपने कस्टमर को फर्नीचर देने के लिए रेडी है, एग्री है। सर्विसेज में एग्जाम्पल होंगे कि जैसे कि अगर हम कैब यूज़ करें तो कैब वो हमें क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है और हम उसके सर्विस के लिए उसे पैसे पे करते हैं। एग्जाम्पल, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम डेटर्स एटसेट्रा। बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो टाइप होते हैं, पहला कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, यानी कोई भी सामान बेचता है और उसे उससे तुरंत उसका पैसा मिल जाता है, जैसे अगर मैं फर्नीचर को बेच रही हूँ और मुझे मेरे कस्टमर से तुरंत पैसा मिल जाता है, तो हम उसे कहेंगे कैश ट्रांजैक्शन। व्हेन द अमाउंट इज ट्रांजैक्टेड इमीडिएटली ऑन एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कभी कभी बिजनेस में ऐसा होता है कि हम कस्टमर हमसे सामान पहले खरीद लेता है लेकिन वो पैसे कुछ समय बाद देने के लिए प्रॉमिस करता है, तो हम उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसे कि मेरा एक वेल नोन कस्टमर मुझसे फर्नीचर खरीदता है और मुझे ये प्रॉमिस करता है कि वो अभी पैसे ना देके कुछ समय बाद देगा, तो हम उसे कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। व्हेन इट इज़ प्रॉमिस टू पे लेटर, इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमारा दूसरा अकाउंटिंग टर्म है अकाउंट्स। बिजनेस में डे टू डे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शन को बिजनेसमैन एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, उसे ही हम अकाउंट कहते हैं।
वो क्या करते हैं कि हर एक अकाउंट का पर्टिकुलर हेड बनाते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट. अकाउंट इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस. अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है. लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और अकाउंट की राइट साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं. क्योंकि इसका फॉर्मेट टी शेप का होता है, इसलिए हम इसे टी शेप्ड अकाउंट भी कहते हैं. हमारा तीसरा अकाउंटिंग टर्म है कैपिटल. कैपिटल को हम पूंजी भी कहते हैं. बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपने बिजनेस में कुछ पैसे लगाते हैं या कुछ एसेट लगाते हैं जिसका मार्केट में मनी वैल्यू होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं. कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू. यहाँ पे प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर या फिर बिजनेसमैन जो पैसे लगा रहे हैं, और पार्टनर, कभी कभी क्या होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दो बिजनेसमैन साथ में मिलकर पैसे लगाते हैं. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट. कैपिटल पैसे के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है. एसेट कहने का मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो पैसे तो लगा ही रहे होते हैं, साथ ही साथ अपने ऑफिस के लिए वो क्या करते हैं, फर्नीचर लगाते हैं. तो वो फर्नीचर क्या हो गया, आपका एसेट्स हो गया. उस फर्नीचर का मार्केट में कुछ मनी वैल्यू होता है, यानी जब भी उसको फ्यूचर में हम बेचेंगे उस फर्नीचर को तो हमें उसे कैपिटल मिलेगा, दैट मीन्स मनी वैल्यू. कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ भी कहते हैं. हमारा अगला अकाउंटिंग टर्म है ड्राइंग. यहाँ पे ड्राइंग का मतलब पेंटिंग वाला ड्राइंग नहीं. कभी कभी क्या होता है कि बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाल लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग. जैसे कि एक बिजनेसमैन है, वो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बिजनेस से कुछ पैसे निकाल रहा है, तो उस पैसे को हम क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे. इट इज़ द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज. यहाँ पे क्या कर रहा है प्रोप्राइटर, ओनर यानी बिजनेसमैन, कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस से पैसे को या गुड्स को निकाल रहा है. हमारा अगला अकाउंटिंग टर्म है लायबिलिटीज. लायबिलिटीज को अगर सिंपल शब्दों में समझे तो लायबिलिटीज का मतलब होता है जिम्मेदारी. बिजनेस में बहुत टाइप के ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं. कभी कभी बिजनेसमैन क्या करते हैं, क्रेडिट पे कुछ सामान लेते हैं, यानी कर्ज पे कुछ सामान लेते हैं. यानी वो सामान तो खरीद लेते हैं लेकिन उसका पेमेंट अभी वो नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने क्रेडिटर को प्रॉमिस करते हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद उन्हें पेमेंट कर देंगे. तो यहाँ पे जो उन्होंने पैसा पे नहीं किया है अपने क्रेडिटर को, जो क्रेडिट उन्होंने ले रखा है, उसे ही हम कहेंगे लायबिलिटीज. दूसरा एग्जांपल अगर हम ले तो बैंक लोन कह सकते हैं. बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेसमैन लोन लेते हैं बैंक से. यहाँ पे भी वो अगेन उनकी लायबिलिटी हो जाती है कि उन्हें जो लोन उन्होंने बैंक से लिया है वो उन्हें बैंक को वापस करना है, उसका रिपेमेंट करना है. तो यहाँ पे बिजनेसमैन की लायबिलिटी हो जाती है कि उन्हें बैंक को वापस लोन रीपे करना है. लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड पेबल बाय द बिजनेस. लायबिलिटीज के टू टाइप्स होते हैं, पहला करेंट लायबिलिटी और दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटीज. करेंट लायबिलिटी वैसी लायबिलिटीज होती है जिसका पेमेंट बिजनेसमैन एक साल के अंदर कर देते हैं. इट इज़ दैट लायबिलिटी विच इज़ पेबल विद इन अ ईयर, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स बिल पेबल एटसेट्रा. नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज वैसी लायबिलिटीज होती है जिसका पेमेंट ड्यूरेशन मोर देन अ ईयर, यानी एक साल से ज़्यादा का होता है. इट इज़ दैट लायबिलिटी विच इज़ पेबल आफ्टर ए पीरियड मोर देन अ ईयर, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा. हमारा अगला अकाउंटिंग टर्म है एसेट्स.
एसेट को हम सिंपल टर्म में बिजनेस की प्रॉपर्टी कह सकते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि बिजनेस में जो भी चीज़ है जिससे हम फ्यूचर में और पैसे अर्न कर सकते हैं वो हमारा क्या है, एसेट। जैसा कि हमने पिछले सेगमेंट में लायबिलिटी पढ़ा था, उसी का जस्ट ओपोजिट हम ले लें तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो लोग हमसे यानी हमारे बिजनेस से उधार में सामान लिए हैं वो भी हमारा एक तरफ से क्या है, एसेट। उन्होंने हमसे उधार में सामान लिया यानी अब हमारी बारी है कि हमें उससे क्या लेना है, पैसा लेना है, तो वो हमारा क्या है, एसेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक बिजनेसमैन ने अपने फैक्ट्री में कार्डबोर्ड के प्रोडक्शन के लिए मशीनरी लगाया, उस मशीनरी से क्या हुआ, बहुत सारे कार्डबोर्ड का प्रोडक्शन हुआ, और जब प्रोडक्शन हो गया तब उस बिजनेसमैन ने उस कार्डबोर्ड को सेल किया, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, मशीनरी एसेट हो गया, क्योंकि उस मशीनरी के हेल्प से हमने प्रोडक्शन किया कार्डबोर्ड का, और उस कार्डबोर्ड के प्रोडक्शन के को जब हो गया और उसे जब हमने सेल किया तो उसे हमें क्या मिला, पैसे मिला, तो ये हमारा क्या है, एसेट्स हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स ओन्ड बाई अ बिजनेस टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड, इन अदर वर्ड्स एनी थिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट कैश और बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट। यहाँ पे लीगल राइट्स का मतलब है पेटेंट, कॉपी राइट एट्सेट्रा। एग्जाम्पल, मशीनरी, बिल्डिंग एट्सेट्रा। असेट को तीन टाइप में बांटा गया है, पहला करंट एसेट, दूसरा नन करंट एसेट और तीसरा फिक्टिशियस एसेट। नन करंट एसेट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एज अ टेंजिबल एसेट और दूसरा इनटेंजिबल एसेट। इसका एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। हमारा अगला अकाउंटिंग टर्म है गुड्स। बिजनेसमैन जिस सामान का व्यापार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं, जैसे कि क्लॉथ डीलर। गुड्स की यह कैरेक्टरिस्टिक होती है कि यह सामान दोबारा बेचने के पर्पस से खरीदी जाती है, ना कि उसे बिजनेस में यूज़ करने के पर्पस से खरीदी जाती है। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। इट इज़ अ टर्म दैट अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप द सेल्स और परचेज ऑफ अ बिजनेस। The items are purchased for the purpose of resale and not for use in the business. Example, an enterprise dealing in home appliances such as TV, fridge, AC, etc. Thanks for watching friends. अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।